भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब भारत के जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना जताई जा रही है। भारत पर भरोसा जताते हुए S&P ग्लोबल एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश आने वाले 7 साल में कमाल कर देगा और साल 2030 तक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, वहीं एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने अपने नए परचेजिंग मैनेजर इंडेंस यानी PMI में ये बात कही। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने पर एक और ग्लोबल एजेंसी ने अपनी मोहर लगा दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर जो सपना देखा है उसका जिक्र उन्होंने और उनकी सरकार के मंत्रियों ने कई मौकों पर किया है। इनमें से एक है भारत के साल 2047 तक दुनिया के विकसित देशों के लिस्ट में पहुंचना और आने वाले 5-6 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर सामने आना। और अब ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी का ये सपना जल्दी पूरा होने वाला है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तक तमाम ग्लोबल एजेंसियों ने देश के लिए सकारात्मक रुख बनाए रखा है। दरअसल S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने अपनी PMI रिपोर्ट में कहा कि साल 2021 के बाद साल 2022 में लगातार 2 वर्षों की देश की इकोनॉमी में तेज रफ्तार देखने को मिली है और इस चालू वित्त वर्ष 2023 में भी भारत मजबूत वृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल देश दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 2030 तक ये जापान को पछाड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। एजेंसी ने अनुमान जाहिर करते हुए भरोसा जताया और कहा कि 7 साल में यानी 2030 तक भारत की GDP का आकार $7,300 अरब तक हो जाएगा और इस आंकड़े से जापान की GDP भी पीछे रहेगी। S&P ग्लोबल के मुताबिक भारत का सकल घरेलू उत्पाद 6.2% से लेकर 6.3% तक बढ़ने की उम्मीद है, यानी इस लिहाज से मार्च 2024 में खत्म होने वाले वित्त वर्ष में भी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी बना रहेगा। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अर्थव्यवस्था में नियंत्रण तेजी की उम्मीद है और इस तेजी में सबसे बड़ा हाथ घरेलू मांग में वृद्धि का रहेगा। इससे देश की इकोनॉमी को बल मिलेगा। फिलहाल अगर GDP के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसके बाद चीन और जापान का नाम आता है। वहीं भारतीय इकोनॉमी का आकार ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों से भी बड़ा है। भारत के लिए ये PMI रिपोर्ट एक गुड न्यूज है। दरअसल इससे अंदाजा लग जाता है कि दुनिया की तमाम एजेंसियों ने जहां एक और बड़े बड़े देशों के लिए अपने GDP ग्रोथ के अनुमान को घटाया है, तो वहीं भारत पर सभी का भरोसा लगातार कायम है। बता दें कि अमेरिका की GDP फिलहाल $25,500 अरब है, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद चीन की GDP $18,000 अरब है और जापान की GDP का साइज $4,200 अरब है। बता दें कि साल 2014 से 2023 तक की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई नए मुकाम हासिल किए हैं। 2014 में ये 10वें पायदान पर थी और आज ग्लोबल इकोनॉमी में 5वें पायदान तक पहुंच चुकी है और आने वाले 7 सालों में भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।